हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 10th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 3.7 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा दूसरा। ठीक है, साइंस पढ़ना है तो हमारे चैनल पे चले जाइएगा। क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊँगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊँगा। बताइए उनकी क्रमशः संपत्तियाँ क्या थी। इन्होंने हालाँकि संकेत दे रखे हैं, फिर भी क्वेश्चन जो है वो हमें लगाना है बिना इनकी संकेतों की हेल्प से। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा दूसरा। ठीक है, दोनों की संपत्तियां जो हैं वो हमें बतानी है, तो संपत्तियां बतानी है, जो बतानी है वही हम मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना पहले दोस्त की संपत्ति, ठीक है, वो कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, माना दूसरे दोस्त की संपत्ति वो है 100 रुपये। ठीक है, अब जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हम काम करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या करेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि पहला वाला दोस्त जो है वह कहता है कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। पहले के पास थे 100 रुपये, दूसरे के पास थे 100 रुपये। ठीक है, ये रुपए हमारे अभी बराबर नहीं हैं। ठीक है, बराबर नहीं हैं, पर हम इन्होंने क्या कहा है, इसमें पहले वाले ने वाई से कहा है कि तुम मुझे क्या दे दो, 100 रुपये दे दो। मतलब यहाँ से 100 रुपये घट गए और ये जो 100 रुपये घटे हैं वो कहाँ आए, इसके पास जुड़ गए। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं, जब रुपए तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊँगा। ठीक है, मतलब ये 2 गुना धनी हो गया है, किससे, इससे। ठीक है, ये दो गुना धनी हो गया है, किससे, इससे। ठीक है, तो यही हमारी समीकरण हो गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 + x = 2y - 100। आया ना समझ में, ये कैसे आया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम शर्त एक लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि शर्त एक के अनुसार ही हमने काम किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x लिख लेंगे। ठीक है, अभी 100 + x लिखा ही रहने देते हैं, 2y की गुणा दोनों से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2y और ये हो जाएगा माइनस का 200 हो गया। ठीक है, y को इधर ले आते हैं, x - 2y हो गया, इधर प्लस का था इधर आया तो माइनस में हो गया, माइनस का 200 था, 100 उधर गया तो ये भी माइनस में हो गया। ठीक है, तो मतलब x - 2y बराबर हमारा माइनस का 300 हो गया, इसको हमने पहली समीकरण मान लिया। ठीक है, हो गया इतना। अब दूसरी शर्त जो है वो हमसे क्या कह रही है। ठीक है, शर्त दो जो है वो भी समझा देते हैं अलग ही। ये कहता है, हाँ दूसरा वाला आप कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊँगा। तो क्या रुपए थे, इसके पास x थे, इसके पास y थे। अब दूसरे वाले ने कहा कि तुम मुझे 10 रुपये दो, मतलब इसके पास 100 रुपये थे, इसने कहा तुम मुझे 10 रुपये दो, मतलब इसके पास से 10 रुपये घट गए और 10 रुपये घट के कहाँ गए, इसके पास चले गए। अभी इसके पास जब 10 रुपये चले गए तो ये कह रहा है मैं तुमसे, ठीक है, मतलब ये जो है 6 गुना धनी हो जाएगा, मतलब ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, 6 गुना धनी कौन है, ये। ठीक है, अब हमारी यही जो है समीकरण हो जाएगी, 6x - 10 = y + 10। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो ये हमारा हो गया 6x, ये हो गया 60, मतलब 6x और 6 = 60। ठीक है, y + 10,
ठीक है, वाई को इधर ले आते हैं, ये हमारा था 6x माइनस का वाई हो गया, ठीक है, 10 प्लस का था 60 उधर गया तो ये भी प्लस का हो गया, ठीक है, इधर माइनस का था उधर गया प्लस का हो गया। तो मतलब हमारी समीकरण जो बनी है वो क्या बनी है, उसको साफ कर देते हैं। तो हमारी समीकरण जो बनी है 6x माइनस वाई बराबर 70, ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई, ठीक है, बन गई पहली समीकरण ये है, ठीक है। अब क्या है भाई, इसमें क्या है, हमारा x है और इसमें 6x है, तो क्यों ना हम x वाला पद जो है वो बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ पे भी 6x हो जाएगा, तो हमारा 6x कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक में 6 से गुणा करके समीकरण दो से घटाने पर, ठीक है। पता है रात के 2 बज गए हैं, मैं क्लास ले रही हूँ, लग रहा है मुझे मेरा बेबी जग गया है, तो मैं अभी आती हूँ, तो अभी उसे सुला के आए हैं, ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हाथ की क्लासेस लेने में, पर लेती हूँ कंटिन्यूसली, आप भी जानते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। तो चलिए क्लास जो है कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ये क्या, हमें समीकरण एक को 6 से गुणा करनी थी, समीकरण एक हमारी ये है, तो ये हमारा क्या हुआ, 6x हुआ और 6 × 12y हुआ, बराबर में क्या हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18 माइनस का 1800 हो जाएगा, ठीक है। और समीकरण दो है, इसमें से घटा देनी है, ये हमारी समीकरण दो जो है हमने लिख दी, घटा रहे हैं, तो घटाने का मतलब क्या हुआ, नीचे वाले जो चिन्ह है ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस माइनस हमारा कट गया और ये प्लस माइनस हमारा घट जाएगा, घट के माइनस का 11y हो जाएगा, माइनस का इसलिए क्योंकि 12 जो है वो हमारा माइनस बड़ा है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1870 हो जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस हमारा कट गया, कट गया, तो अब 11y जो है ये हमारा बराबर हो गया 1870 के, ठीक है। अब 11 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं, इधर हमारा गुणा है तो गुणा, गुणा में तो हम काट ही सकते हैं ना, ये हर क्लास में बताते हैं आपको, ठीक है। 11 × 11 7 बचा, 11 × 77 = 0, मतलब वाई का मान जो आया है वो आया है 170 रुपये, मतलब ये जो वाई, जो वाई के वाई का वैल्यू कौन था, वाई जो था दूसरा वाला था, तो मतलब दूसरे दोस्त, दूसरा दोस्त, ठीक है, दूसरा लिखेंगे, दूसरा दोस्त जो वाई था उसके पास थे 170 रुपये, ठीक है। अब बोर्ड जो है वो हमें साफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, अब हमें मान रखना है वाई का, ठीक है, अब हम वाई का मान रखेंगे, ठीक है। तो वाई का मान हम किस समीकरण में रख दें, एक में ही रखते हैं, क्योंकि एक में रख दो चाहे उस किसी में भी रख दो, ठीक है, मान हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई का मान समीकरण एक में, ठीक है, तो समीकरण एक हमारी ये है, लिख देंगे एक्स माइनस 2y है, तो 2y का मान आया है 170 बराबर में माइनस का 300, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 300 लिखा हुआ था और 17 × 34 मतलब 340 हुआ, ठीक है, 340 हमारा इधर माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 340 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 40 मतलब 40 रुपये। तो x हमारा कौन था, पहला दोस्त, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहला दोस्त जो था उसकी संपत्ति क्या थी, 40 रुपये, ये भी हमारा आंसर है।
और ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। पहले दोस्त के पास पैसे थे 40, दूसरे दोस्त के पास थे 170, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। ग्रुप में ऐड हो जाइएगा यहाँ से, ठीक है। सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक है।